तो कल रिलीज हुआ है कैटरीना कैफ के हस्बैंड विकी कौशल और सारा अली खान का फिल्म का ट्रेलर, जिसका नाम है जरा हट के जरा बच के। तो इस वीडियो में हम उसका ये रिव्यू करने जा रहे हैं। तो ट्रेलर के शुरू में ही हम लोगों को पंकज त्रिपाठी का वॉयस सुनने को मिलते हैं। वो सुन के मेरे को ये लगा था कि भाई पंकज त्रिपाठी इस मूवी में रहेंगे, पर मैंने जब पूरा ट्रेलर देखा तो भाई पंकज त्रिपाठी का नामो निशान इस मूवी में नहीं है। फिर मैंने बहुत स्ट्रगल करके विकी कौशल और सारा अली खान का एक घटिया सा ट्रेलर देखा, भाई मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लगा। बहुत पहले एक टाइम था जब लोग लव स्टोरी मूवी और रोमांटिक मूवी देखना पसंद करते थे, पर भाई लॉकडाउन के बाद लोगों का माइंडसेट इतना चेंज हो गया कि लोग ज़्यादातर एक्शन मूवी देखना ही प्रेफर करते हैं। भाई तुम ये चीज़ बताओ, तुम एक लव स्टोरी मूवी देखने जाओगे 200 या 300 रुपये खर्च करके, ऐसे तुम अपने फ्रेंड के साथ जाओगे एक एक्शन मूवी देखने के लिए जिसमें फुल इंजॉयमेंट हो और देखने में भी मज़ा आए? आप लोग तो ये चीज़ पता ही है कि आप ये सोचते हो कि भाई दो दिन के बाद OTT में आ जाएगा तब देख लूँगा, ये चीज़ सबके माइंड में चलती है। तो मैं ये ट्रेलर देख के यही समझा कि भाई ये मूवी थिएटर में अगर रिलीज़ होगा, थिएटर में तो पहले रिलीज़ होगा, उसके बाद तो OTT पर आएगा, लोग इसको नहीं देखने के लिए जाएंगे। आप लोग अभी से ये चीज़ नोट करके रख लो भाई कि ये मूवी बुरी तरीके से फ्लॉप होने वाला है, कोई भी इस मूवी को नहीं देखने के लिए जाएगा। और वैसे भी इंडिया के जो ऑडियंस है वो अभी बहुत ज़्यादा समझदार हो चुके हैं। भाई पैसे दे के 200-300 रुपए खर्च करके और बॉलीवुड के नेपोटिज्म किड को नहीं देखने के लिए जाएंगे। और वैसे भी और भी जो एक एक्टर है विकी कौशल, उसको भी भाई एक्टिंग कहाँ आते हैं। भाई उसका लास्ट फिल्म हिट हुआ था उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, उसके बाद ना उसका फिल्म चला है, कुछ भी नहीं चला है। और आपको ये चीज़ पता है कि ये मूवी रिलीज होने वाला है 2 जून को, पर 1 जून को रिलीज होने वाला है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। भाई वो मूवी लोग देखने जाएगा ना पैसा खर्च करके, ये सड़ा सा मूवी लोग क्यों देखने जाएंगे? और आपको ये चीज़ पता है क्या कि इस मूवी का डायरेक्टर कौन है? लक्ष्मण उटेकर, जिसने भाई बहुत पहले एक हिट फिल्म दिया था 2019 साल में लुका छुपी, जो कार्तिक आर्यन और कृति सनन का मूवी था। इस मूवी का बजट था 25 करोड़, पर इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड कमाई किया 128 करोड़ के ऊपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा होता है। पर वो टाइम था लॉकडाउन के पहले, आपका टाइम बहुत ज़्यादा अलग है जैसा मैंने पहले ही बताया। अभी के टाइम में जो ऑडियंस है उन लोगों को लव स्टोरी मूवी देखने का भाई कोई इंटेंशन ही नहीं है, सभी को एक्शन मूवी देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, सभी को भाई KGF चाहिए, सलार चाहिए, पठान चाहिए। भाई लव स्टोरी मूवी अभी के टाइम में ज़्यादा लोग OTT पर देखते हैं, ये चीज़ सही है। भाई पैसे खर्च करके अभी के टाइम में कोई लोग लव स्टोरी मूवी नहीं देखने के लिए जाते हैं। और एक चीज़ तो वैसे है भाई, फ्लॉप और नेपोटिज्म एक्टर्स को कौन देखने के लिए जाएगा? तो चलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और ऐसी वीडियो रेगुलर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसा ही वीडियो रेगुलर देखने को मिलता है और जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है, तो कर लेना, फ्री में ही तो है। और मैं एक चीज़ बता दूँ, इस फिल्म को भाई कोई भी देखने मत जाना, बहुत घटिया मूवी होने वाला है, इससे आप भाई और अच्छा मूवी देख सकते हो। जैसे आप लोग पैसे बचा के रखो, भाई 16 जून को आदि पुरुष रिलीज होने वाला है, उस टाइम चले जाना भाई, बहुत अच्छा वो मूवी होने वाला है। तो चलो आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहना, खुश रहना।